फ्रेंड्स, मैं हूं भारती। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। और आज है माता रानी का दिन, आठवीं पूजा है और जगराते की रात है। और आज हमारे घर पे बस ये आठवीं पूजा, बेज बस हम इस तरीके से ही पूजा करते हैं। आगे की वीडियो में आप देख पाएंगे। और मौसम भी बिल्कुल खुशनुमा हो चुका था, ये देखिएगा। करीबन हम लोगों को क्या है ना, 4 बजे तक डलिया भर लेना था, पूजा की सारी तैयारी हम लोगों को पहले ही करनी थी। तो बस यहाँ मैं ये जो दुबी होती है ना, घास की दुबी, मैं उसी को तोड़ने के लिए छत पे आई थी और अचानक से इतनी तेज़ बारिश आ चुकी है। ये आप देखिए, बिल्कुल नेचुरल साउंड आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, सॉरी सुना रही हूँ। और अभी जो है ना, ये करीबन एक देखिए, घुमड़ घुमड़ के इतनी तेज़ बारिश आ रही है। और दो से करीबन 1:30 से 2 बज रहे होंगे और मौसम कुछ इस तरह से बिगड़ चुका है। और हमें 4 बजे तक पूजा की भी तैयारी करनी थी, ये देखिएगा। तो अभी मैं पूरी तरीके से तैयार तो नहीं हुई थी, बस मैंने नहा धो लिया था और पूजा करीबन स्टार्ट ही होने वाला है। और हम अभी पहले जो है महावर लगा लेते हैं, आलता जिसको बोलते हैं ना, तो मैं वही लगा रही हूँ। अगर आप सोलह सिंगार नहीं भी करते हो तो आलता लगाना बहुत मतलब ज़रूरी होता है। तो पैरों में मैं यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी मेहंदी भी लगाई थी, तो ज़्यादा तो मैं कुछ मतलब नहीं की थी, आगे बस उंगलियों पे मेहंदी को लगाया था और थोड़ा सा बीच पे मैं छोटा सा फ्लावर बना ली थी। और रात पे ही मेहंदी को हम लोगों ने लगा लिया था, क्योंकि आज के दिन तो उपवास रहता है और फिर इतना समय भी नहीं होता है कि आज के दिन मेहंदी को लगाया जाए। तो बस मैं यहाँ पर महावर लगा लूँगी। तो अभी देखिए, इनको तो हमारे साथ ही रहना है और मैं बोल रही हूँ इसको कि आपको भी आलता लगाना है। तो ये सबसे घर में छोटी कन्या है और अभी तो इनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि पूरे घर में जो है ना, सभी को पूजा पाठ के बाद जो है कन्या पूजन तो करना ही चाहिए, आज के दिन तो मतलब और भी करना चाहिए। तो ये सबसे छोटी माता रानी है और इनको तो बस विशेष ध्यान कहना कि आपको एक तरह से रखा जा रहा है इनका। और अभी भाभी भी आलता लगा रही हैं, ये थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि जो है ना, ये तैयार तो पहले हो चुकी थी, पर एक्चुअली में छोटे बच्चे जब होते हैं ना तो उनके ज़रूरतें और उनका काम बिल्कुल बीच में ही आता है। तो उसी तरीके से ये क्या है ना, इसको अचानक से बस बाथरूम लग गया तो ये बाथरूम के लिए चली गई थी गुड़िया रानी। तो बस उसका काम करने के बाद ये फिर दोबारा से स्नान आदि करके तब फिर ये रेडी होके आई हैं। तो इनको थोड़ा सा टाइम हो गया था, तब तक पूजा हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, ये देखिएगा। तो अभी जो है ना, ये हमारी जो है बड़ी चाची हैं, वो हमारे घर पे अभी मतलब जस्ट वो आई हैं, तो अभी बाहर में ही वो लोग रहती हैं, तो पूजा के समय ही एक्चुअली में वो लोग आ पाती हैं। तो अभी बस वही उनको ही पूजा करना है, क्योंकि हमारी जो दादी थी ना तो वो नहीं है, तो दादी नहीं होने के बाद जो उनके बाद उनका ही स्थान होता है, ये विशेष पूजा करनी होती है, तो बस ये वही काम करें। तो वो पीढ़ा एक तरह से होता है ना पूजा में, तो हमारे घरों पे बस कुछ इसी तरीके से पूजा किया जाता है। तो पीढ़े को पहले भरा जाता है और यहाँ पे इस स्थान पे पहले जब पूजा हो जाएगी उसके बाद फिर हम लोग भी साथ में डलिया वगैरह भर लेंगे। तो अभी बस ये वही पूजा की तैयारी कर रही हैं। और ये जो है देखिए आप, दूसरी तरफ जो है ना, ये हमारी दूसरी नंबर की चाची हैं। तो ये जो है हमारी मम्मा से जो है ना छोटी हैं, तो ये मतलब इनको ज़्यादा इनके पास नॉलेज है, तो ये थोड़ा सा मतलब हेल्प कर रही हैं, क्योंकि आज जो है निर्जला बिल्कुल उपवास में रहना होता है ना, तो इसके बाद अकेले ही सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो एक मतलब एक आगे से जो है सब कुछ आप अगर देते जाते हो ना काम को अगर सही तरीके से, तो पूजा पाठ क्या है ना बिल्कुल बिना किसी गलती के बिल्कुल अच्छे तरीके से हो पाती है। तो बस यहाँ पे देखिए, अर्पण से जो होता है ना, ये अरवा चावल का पीस के हम लोग के घरों में अर्पण को तैयार किया जाता है। इससे क्या होता है ना, आप जो सामने में देख रहे हो ये पीढ़ा लगाया गया है और आगे सामने से ही श्रृंगार किया जा रहा है माता रानी का, यहाँ पे चौकी बनाया जा रहा है। तो अभी जो है चावल के अर्पण से तो श्रृंगारी हो चुकी है और अब यहाँ माता रानी को सिंदूर चढ़ाया जाएगा, ये देखिएगा। सिंदूर को टेका जाता है यहाँ पे, तो करीबन 7 यहाँ पे देखिए इस तरीके से सिंदूर पड़ेगा।
और जैसा यहाँ पे आप देख रहे हैं ना सामने सिंगार किया जा रहा है, बिल्कुल वैसा ही नीचे के चौकी पे भी किया जाएगा। इसी तरीके से हमारे घरों पे पूजा होती है। फिर यहाँ पे जो है पूरे तरीके से सबसे पहला काम यही होता है, उसके बाद यहाँ पे फूल बेलपत्र ये सब चीज़ों से फिर इनकी पूजा की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए पहले पान सुपारी जो होता है वो चढ़ाया जाएगा, तो वो भी साथ ही उसकी संख्या रहेगी। तो अभी देखिए यहाँ पे सुपारी को डाला जाएगा। तो इसी तरीके से पूजा पाठ का जो है ना विधि विधान के साथ पूजा किया जाता है। ये मतलब एक पुराने समय से ही इसी तरीके से चला आ रहा है। तो क्या होना, जो हमारे पूर्वज हमें सौंपते हैं, जो हमें दे के जाते हैं, बिल्कुल हमें उसी तरीके से क्या है ना इस चीज़ को आगे बढ़ाना होता है। और इसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, कोई भी बदलाव नहीं लेके आते हैं, जो जैसा है बिल्कुल वैसा ही चला आ रहा है। और यहाँ पे जो है ना दुभी वगैरह जो है मैंने तो आपने देखा ही था कि मैंने पहले ही इसे तोड़ लिया था, तो बेलपत्र वगैरह और दुभी वगैरह पहले ही पूजा पाठ की सामग्रियों को तोड़ के इकट्ठा कर लिया गया था। और यहाँ फूल देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं, ये जो हरसिंगार के फूल हैं मैं आपको पहले के वीडियो में दिखाई थी ना कि ये फूल बहुत अधिक मात्रा में अभी हमारे घरों में बस मतलब गिर रहे हैं, और ये करीबन सुबह में ही फूल गिर जाते हैं सारे। इतने अच्छे ये फूल लगते हैं ना इस वक्त मतलब पूजा करने में कि मैं आपको बस बता नहीं सकती हूँ। तो अभी कुछ एक से डेढ़ मंथ तक ये फ्लावर हमें ऐसे ही मिलते रहेंगे। और पूजा पाठ करने में ये सब फूल जब होता है ना तो बहुत एक अलग तरह की प्रसन्नता मिलती है, मन को बहुत सुकून मिलता है। वैसे ये दिन और समय ही कुछ ऐसा होता है कि समय बस बिल्कुल ऐसे ही कट जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। और अभी तो फेस्टिवल की बस शुरुआत ही हो गई है, कहिए तो सारे बड़े फेस्टिवल अभी एक से डेढ़ मंथ में बस ख़त्म हो जाने वाले हैं। तो माता रानी जैसे आई हैं उनका आदर मान सत्कार से हम लोग ऐसे ही करते हैं, उसके बाद जब चली जाएंगी माता रानी तो फिर हम लोग को एक अलग तरह की हो जाती है थोड़ी सी उदासीनता। तो जो भी आपको मनोकामना है बड़ी श्रद्धा मन से आप इस अष्टमी के पूजन को हम लोग करते हैं। और यहाँ पे जो है ना करीबन यहाँ पे डलिया जो है हम और मम्मी दोनों भरती हैं, भाभी अभी नहीं भरती हैं ये इस साल, तो वो मतलब सोची थी पर अभी स्टार्ट नहीं कर रही हैं क्योंकि इस बार तो वो प्रेग्नेंट है और अभी बहुत लास्ट मंथ चल रहा है उनका, तो इस तरह से प्रॉब्लम हो जाएगी कुछ किसी तरह की, तो ये इस चीज़ को इस बार अवॉइड किए हैं ये। और यहाँ पे जो है सिर्फ हम और मम्मा इस बार डलिया भर रहे हैं। तो मैं बहुत पहले से ही भरती आ रही हूँ डलिया को, जब हमारी शादी हुई थी ना तो उसी के बाद से ही भरना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और फिर क्या होता है ना कोई मन्नत होती है या तो तब उसके बाद भी डलिया एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी इस साल की भी मन्नत है और यहाँ पे मैं डलिया वही भरने जा रही हूँ। तो यहाँ पे जो चौकी बनाई गई थी ना इस पे फल मूल आदि सभी कुछ चढ़ा गए, इसे पूजा को संपन्न कर दिया गया है। तो यहाँ एक साइड से ये इनकी पूजा हो चुकी है और अभी जो है अब हम सभी को डलिया भर लेना है। तो टाइमिंग भी बहुत कम था, 4 बजे तक हमें सभी काम निपटा लेने थे और यहाँ सबसे उनके बाद जो है यहाँ मम्मी अभी डलिया भर रही है, तो बस उनके भरने के बाद मैं यहाँ पर फिर भरूँगी। और यहाँ पे देखिए मम्मी को मैं यहाँ पे दे रही हूँ एक एक करके, तो मम्मी 2 डलिया भरती हैं। तो मतलब क्या है ना कि शुरू से ही ऐसा ही कर रही है मम्मी, तो बिल्कुल मैं भी वैसा ही करती हूँ जैसा वो कर रही थी, और मैं उन्हीं से सब कुछ सीखी हूँ कि किस तरीके से मतलब करना है। और जो हमारे घरों में चला आ रहा है तो वो तो मतलब एक तरह से जब आप देखते हो कोई भी चीज़ तो देखने के बाद भी आप धीरे धीरे करके वो चीज़ को सीख जाते हो, तो कोई मतलब गलती से भी गलती ना हो इस चीज़ को हम देख के ही सीखें तो ज़्यादा बेहतर होता है।
और सामने में देखिए सिंगार की भी मैंने यहाँ पे बहुत चूड़ी वगैरह सिंदूर और ये सब को मैंने यहाँ पे रख दिया था। और आज के दिन हमारे क्या होते हैं सिंगार के आप चीज़ों को भी जगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आपके पास जो अवेलेबल है चूड़ी है बिंदी है और सिंदूर हैं ये इन सब चीज़ों को जगाना बहुत अच्छा होता है। माता रानी के चढ़ाने के बाद आप अपने और से भी आप यहाँ पे रख सकते हो। और इसे क्या है ना फिर मैं कल इसे मैं पहनूंगी इसीलिए इन्हें यहाँ पे जगा लेती हूँ। और आज के दिन तो यहाँ पे आप नए कपड़े हैं जैसे और किताबें हैं इन सब चीज़ों को भी जगाना चाहिए। तो माता रानी धन वैभव विद्या सभी कुल देती हैं। आज के दिन दिल खोल के आदमी अपने लिए जो मांगना होता है बस मांगते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं यकीनन पूरे होते हैं। और मम्मी की देखिए पूजा यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, इसके बाद अब हम यहाँ पे डलिया भर लेते हैं। तो यहाँ पे इधर देखिए तो हमारे 3 डलिया थे बस मैं उसी को भरने जा रही हूँ। और जैसे ही डलिया भर जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या है ना फिर गीत होगा जो माता रानी को जगराता के तौर पे गाए जाते हैं ना, तो बस वहाँ यही गाए जाएंगे अभी। और फिर माता रानी की आरती करने के बाद पूजा संपन्न हो जाएगी और फिर हमें क्या है ना इस डलिया को फिर माता रानी के दरबार भी लेके जाना है जहाँ पे मतलब स्थापित होती है वहाँ जाके फिर हमें वहाँ भी पूजा करना है। तो काफ़ी टाइम हो रहा है और बारिश भी तेज़ हो रही है कंटिन्यू, आज तो बारिश बिल्कुल छूट ही नहीं रही थी तो थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ चुकी थी हम लोगों की। तो यहाँ मैं अर्पण लगा लेती हूँ डालिए में और फिर इनके सिंगार भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं 5 सिंदूर टेक लूँगी। तो ये देखिएगा इस तरीके से मैं पूजा सभी विधि विधान के साथ संपन्न करूँगी। तो सिंगारी करने के बाद मैंने यहाँ पे 5 सुपारी जनों को डाला है, उसके बाद मैंने फूल बेलपत्र चढ़ा लिए और दूबी को डालने के बाद मैंने यहाँ पे देखिए इसके साथ क्या है ना तुलसी के पत्तों को मैंने डाला था और नारियल फिर उसके बाद मैंने डाले और उसके बाद जो फल है आपके पास यहाँ पे आप डाल सकते हो। इस तरीके से ही ये पूजा की जाती है और हमारे घरों में तो कुछ इस तरीके से ही पूजा की जाती है और सब में थोड़ा बहुत अंतर आता है पर पूजा की विधि थोड़ी बहुत तो सेम होती ही है। और इसके बाद देखिए यहाँ ये जो केतारी होता है ना ईख जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे उसके भी कट मैंने करवा के मंगवाए थे तो बस मैं यहाँ पे वही डाल रही हूँ। और इसमें अदरक का जो पौधा होता है हल्दी का पौधा होता है उसकी गांठ को भी आप डाल सकते हो। ये सब करने से शुभ होता है और यहाँ धूप बत्ती दीपक भी जल चुके थे। इसके बाद हमारी पूरी होगी आरती तो बस यहाँ पे वही होने जा रहा है ये देखिएगा।
तो अभी जगराते के गीत जैसे समाप्त हो जाएगी उसके बाद ये देखिए हम लोगों को क्या है ना, इनको वस्त्र यहाँ ऊपर की ओर से डालना है। ये देखिए इससे क्या होता है, इस तरीके से कवर कर दिया जाता है। तो सभी कोई अपने अपने चीज़ों तो भरने के बाद, जैसे डलिया हम भर लेते हैं ना, उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से इसको ढका जाता है। कोई नया कपड़ा जो भी है आपके पास उस तरीके से ढक कर यहाँ पे इनकी पूजा कर दी जाती है। तो यहाँ पे ये हो चुका है, इसके बाद मैं भी यहाँ पे साइड से इसे कवर कर लूँगी। ये देखिएगा तो जैसे हमारी चाची ने किया, मामा ने किया, बिल्कुल वैसे ही मैं भी कर लूँगी यहाँ पे। तो ये देखिएगा यहाँ से मैंने वस्त्र को ढक दिया है और यहाँ पे फूल और यहाँ पे चावल जो होते हैं ना, ये अरवा के चावल, उसे से यहाँ से पूजन कर लिया जाता है। और इन्हें हम क्या करेंगे, अभी परछ लेंगे। और ये पूजा संपन्न हो गई है, अब यहाँ पे आरती हमारी होगी। आरती संपन्न हो जाने के बाद हमारे पूजा पाठ आज की ख़त्म हो गई है और कल है नवमी। नवमी की फिर तैयारी करनी होती है क्योंकि घर पे यहाँ पे अलग से फिर पूजा की जाएगी, तो उसकी भी वीडियो होगी तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो आप बताइएगा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट कीजिएगा।